शुभ मौके पे नहीं बहुत अच्छा प्ले किया आपने, क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? हाँ, दिनकर जी की 100th पुण्यतिथि थी, इसके अवसर पर ये प्ले रखा गया था जिस बॉम्बे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो किताब उन्होंने लिखी थी कविता के रूप में, महाभारत को उन्होंने कविता का रूप जो दिया था रश्मि रथी में, जो करण के ऊपर बेस थी, करण का पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड आई एम फॉर्चुनेट टू प्ले दिस रोल ऑफ करण, बट देन आई कैन ईजिली से दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट रोल एंड द टफेस्ट एक्ट ऑफ माइंड। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना भी कि हर वक्त आजकल इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ हिस्ट्री के ये प्ले को एक आदमी करण नहीं बनता है इसमें, बिकॉज इसमें 8 चैप्टर्स हैं, तो कम से कम 7 या 8 करण होते हैं, अलग अलग उसमें आते हैं। बट ये 7-8 चैप्टर मैंने खुद निभाए हैं, अच्छे बुरे जिस तरह भी मैंने एफर्ट करके निभाए हैं। तो बट इट हैज़ एग्जॉस्टेड मी, बट आई एम स्टिल लिटिल रिलीव्ड, आई एम हैप्पी आई पुल्ड इट थ्रू, बिकॉज इट इज़ नॉट माई लैंग्वेज, इट इज़ रिटन इन संस्कृत एंड हिंदी मिक्स, जो मेरी ज़बान बिल्कुल भी नहीं है। हम तो मुंबई में पले बड़े हैं, मैंने तो मराठी भी फिल्म की है एज ए हीरो, हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, घर की ज़बान हमारी उर्दू है, बाहर अंग्रेज़ी बोलते हैं या ये नॉर्मल बॉम्बे की हम लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश। तो एक चैलेंज था जिसे मैंने लिया, एंड हैप्पी के आई वेंट थ्रू इट एंड आई कुड सी पीपल हु हैड कम, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे ऑल्सो लाइक इट, जो मुझे कमेंट्स मिले। सर, जैसे लाइव थिएटर अगर चलेगा कोई भी लाइव प्रोग्राम तो काफ़ी टाइम लगता है, आपने बताया 2-3 दिन में किया, और अलग रिलीजन से भी है, कुछ हट के किया, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना क्या कुछ बताएंगे और कैसा फील हुआ? मेहनत तो की और बनने के लिए किया है कि ज़रा समय मिलता तो और मेहनत करते। तो मेरा एक बाई वीकली शो भी चल रहा है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि, फिर एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं भी वो फिल्म भी रिलीज़ पे है, तो उसके भी काफ़ी मीटिंग्स और उसके पीछे भी काफ़ी मेरी मेहनत लग रही है विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड PNA। तो जितना टाइम देना चाहिए इस लेवल के प्ले को, उतना टाइम शायद नहीं दे पाया, बट डेफिनेटली ये लास्ट शो नहीं था इसके, हम और भी शोज़ करेंगे जैसे ऑर्गेनाइजर्स ने बताया, तो एंड दे विल बी टेकिंग मी ओनली एज करण, आई विल बी वर्किंग मोर हार्डर एंड विल जस्टिफाई दिस रोल बेटर इन द नेक्स्ट शो। सर, इसके अलावा भी अगर और कुछ कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें आप आने वाले हैं या पाइपलाइन में कुछ बताएंगे अपने बारे में? जैसे मैंने बताया, ये फिल्म मैं भी अभी कंप्लीट है जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है, इट्स अ फीचर फिल्म, ये बच्चों के शोषण के ऊपर है, यंग टीनेज बॉयज़ जिनके साथ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है उनके छुटपन में, और जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो अब वो बड़े हो गए हैं, वो किस तरह उससे डील कर रहे हैं, दैट इज़ द स्टोरी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, फिल्म बना तो लेते हैं, उसको रिलीज़ करना आसान नहीं होता है, तो ये मेरा एक सबसे मेरी प्रायोरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरे सामने अब यही है कि उसे रिलीज़ करें। उसके बाद मेरे प्लेस चल ही रहे हैं, मैं मुंशी प्रेमचंद का एक प्ले करता हूँ इल्ज़ाम, एक और हमारा प्ले है मर्डर ऑफ गॉड, उसके भी रेगुलर शोज़ हो रहे हैं, और दिव्य दृष्टि कर रहा हूँ मैं, बाई वीकली है स्टार प्लस पे। तो बस वी कीप आवर सेल्फ बिजी, बाकी प्रोजेक्ट्स की भी बात चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, पहली बात तो ये कि आज का दिन जो है बड़ा पावन दिन है, और दिनकर जी के साथ, उनके विचारधाराओं के साथ हम बरसों से जुड़े हुए हैं। ये ड्रामा करना तो आज ज़रूरी था, इसलिए कि आज का दिन अहम है, और एक बहुत मुश्किल नाटक है ये। आज रश्मि रथी को यूं ही स्टेज कर लेना ये बहुत आसान काम नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। रश्मि रथी 7 सर्ग में है, 7 भाग में है, और 7ों भाग एक के ऊपर एक हैं, सिंपल नहीं है, आसान नहीं है। अगर भाषा आज की होती तो ऐसे 10 रश्मि रथी लोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा आज की नहीं है। भाषा के साथ जस्टिफाई करना, किरदारों को जस्टिफाई करना, कॉस्ट्यूम को जस्टिफाई करना, उनके मेकअप को जस्टिफाई करना, ये सारी चीज़ें, और फिर म्यूज़िक, हमने म्यूज़िक भी ये कोशिश की, म्यूज़िक जो है कोई मॉडर्न म्यूज़िक ना हो, हमने म्यूज़िक में भी इस्तेमाल किया है तो जितने भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, ताकि वो भी लोगों को समझ में आए कि और लोग हम पीरियड में ले गए। वरना एक सिंपल सा सेट लगा कर आपको महाभारत का रण दिखाना, आप महाभारत दिखाना स्टेज पर, ये बहुत डिफिकल्ट है। आप कह तो रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं अपना उसमें रथ में, और रथ नहीं है, लेकिन रथ का इफेक्ट पैदा करना और लोगों को बताना कि रथ है और तीर चल रही है और तीर नहीं है, तीर चला रहे हैं आप, तीर का इफेक्ट दे रहे हैं आप, ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत आसान नहीं है, लेकिन चूँकि
एक पागलपन है हमारा, ज़्यादा जुनून है, तो जुनून ने आज ये ड्रामा करवाया। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि जैसे मैंने एक जुमला कहा कि अच्छा ड्रामा 9 शो में बनता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। लेकिन ये ड्रामा जिस हालत में आपके सामने पेश किया गया, वो उस तरीके से भी स्टेज करना आज की तारीख में किसी भी नए किसी भी ग्रुप के लिए एक नामुमकिन सी बात है, और एक नामुमकिन चीज़ को हमने मुमकिन कर दिया है। इमरान जी ने कितनी उम्मीदें थी आपको? सी क्या होता है, उससे कितना बेहतर इमरान खान जो है, उनका एक अपना इमेज है कि वो टेलीविजन के एक्टर हैं, फिल्म के एक्टर हैं, और ऐसे एक्टरों का इमेज तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टाइम लोग ये सोचते हैं कि अरे कैसे करेगा एक आदमी, यार इतना डिफिकल्ट कैसे करेगा, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको एज ए एक्टर लोगों के एक्सपेक्टेशन से डबल करना है, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं उनके जहन से निकल जाए, वो गए ये कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए महाभारत जो सीरियल थी उसकी भाषा भी बहुत आसान थी, लेकिन इसकी भाषा बहुत मुश्किल है। और एक एक्टर जिसकी मातृभाषा उर्दू है, वो अगर हिंदी बोलता है तो ये उसका कमाल है, उसका कमाल है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश बॉम्बे के मंच पर की गई है, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे बहुत सारे शो इस ड्रामे के हम पूरे इंडिया में करने के लिए उत्सुक हैं, और कोशिश रहेगी कि हर शो एक से बेहतर एक हो। आप कुछ मुजीब सर के बारे में कहना चाहेंगे कि कितना है? दिस इज आए तो मुझे, मैंने कहा कि ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है, जैसे इन्होंने कहा इनका पागलपन, इनका जुनून, बट वो जुनून तो राज कपूर में भी था, वो जुनून गुरुदत्त में भी था। मेरे ख्याल से हर बड़े फिल्म मेकर या हर बड़े थिएटर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर में या हर बड़े हर क्रिएटिव आदमी में वो जुनून होना चाहिए, जो मुजीब भाई में है। जैसे मैंने कहा, एक पूरी यंग टीम, एक नई टीम, एक 19-20 साल का बच्चा द्रोणाचार्य बन रहा है, एक 22 साल का बच्चा कोई जगत गुरु बन रहा है, भीष्म पितामह बन रहा है, तो उनको करवाना, मतलब मेरे जैसे एक्टर जो ऑलमोस्ट 25 साल इस पर कर चुका हूँ, मैंने मतलब रियली कान पकड़े कि यार मतलब ये क्या मैंने ले लिया, कैसे मैंने कमिट किया था। उन बच्चों के साथ कन्विंस होकर या उनको कन्विंस करके ये शो 2 घंटे का एक प्ले खेलना मुंबई में आज के डिफिकल्ट टाइम में, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द लैंग्वेज, इट इज़ द पोइट्री। लैंग्वेज भी मैं समझ सकता हूँ, उस पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, पोइट्री का आप क्या करेंगे, इस तरह का शायरी। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। अब इसमें आप क्या काकू ज़रा भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसी तरह ये जो प्ले लिखा हुआ है उसमें आप काकू चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हैट्स ऑफ टू मुजीब सर एंड हिज कन्विक्शन, एंड आई एम वेरी थैंकफुल ही गेव मी दिस रोल ऑफ करण, एंड ऑलवेज ही वेरी थैंकफुल टू हिम। चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन, ऐसी क्या खास बात रही जो आप इस प्ले से जुड़े, आप इतना बिजी रहते हैं फिर भी उसके बाद में भी आपने जुड़ना मुनासिब समझा, ऐसी क्या चीज़ थी इस किरदार को लेके कि मुझे करना ही है, और इस जब किरदार को आपने निभाया तो क्या उस टाइम पर क्या फील कर रहे थे? क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए चैलेंज था, जो होता है ना टू डू लिस्ट होती है हर इंसान की ज़िंदगी में, होता है कि मुझे कुछ चीज़ें करनी है, किसी की ज़िंदगी में कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, किसी की ज़िंदगी में है कि मुझे पूरा यूरोप बाय रोड करना है। तो मेरी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश थी कि महाभारत का ये इस टाइप का एक कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइक करण, जो कि कहते ना कि जो दीवार का अमिताभ बच्चन टाइप कैरेक्टर, मतलब जो अंडरडॉग है, ट्रूली एक अंडरडॉग जो है पूरे मेरे ख्याल से वो है, वो करण है महाभारत का। और जितनी भी स्टोरीज हम मानते हैं हिंदी फिल्मों की या इवन यूनिवर्स की फिल्मों की, वो महाभारत से ही जन्मी हुई है, कहाँ ना कहाँ आपको महाभारत की छवि झलक उसमें नज़र आएगी। तो वो मेरा ड्रीम था जो इस मुजीब भाई के ज़रिए, आइडिया जो हमारा ग्रुप है उसके ज़रिए, एंड मैं बहुत ही कम अरसे हुआ मैंने आइडिया को ज्वाइन किया है, उसके बावजूद ही हैज़ ट्रस्टेड मी विद मुंशी प्रेमचंद्स प्ले विद मर्डर ऑफ गॉड। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक अलग, मर्डर ऑफ गॉड एक बहुत ही अलग किस्म का सब्जेक्ट है, इट इज़ अ सटायर कि दुनिया में आप देखो घूम फिर के तो लगता है गॉड है ही नहीं, जिस तरह की दुनिया चल रही है, तो एक बड़ा सटायर है ना, ह्यूमर वे बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उसको ह्यूमरसली करते हैं, तो वो भी एक बहुत मकबूल प्ले है इनका मर्डर ऑफ गॉड, जिसमें आई एम प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट। तो दिस एनकरेजमेंट जो इनकी तरफ से मुझे मिल रही है और मुझे मेहनत करने पे मतलब रियली प्रोवोक कर रही है, और मैं कर रहा हूँ मेहनत और आगे भी करता रहूँगा।